Good morning, students. Welcome to e-learning classes. And today we are going to start chapter 3 in chemistry, metals and non-metals. पहले भी हम इस चैप्टर को अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है. आज हम इस चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ेंगे. ऑलरेडी हम जानते हैं हमारा चैप्टर रिड्यूस हो चुका है और हमें सिर्फ इस चैप्टर में मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है और उसके बाद उनकी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है और उसके बाद इसमें हमें आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड पढ़ना है. इन तीन चीजों को ही हमें सिर्फ इस चैप्टर में इस बार पढ़ना है. क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मेटल्स. मेटल्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयन्स बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा. ये कैटायंस हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, एनायंस एंड कैटायंस. जो एलिमेंट मेटल्स एलिमेंट सपोज दे मेटल, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दे देते हैं उसको किसी को, वो देते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, कैटायन फॉर्म करते हैं और जिसको हम क्या कहते हैं, मेटल्स. वहीं पे जस्ट अपोजिट हमारा नॉन मेटल्स देखते हैं. दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म निगेटिव आयन बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और निगेटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं, निगेटिव आयन फॉर्म करते हैं जिसको हम एनायंस कहते हैं. ठीक है? उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को होती है, डैट फॉर मेटलॉइड. सम एलिमेंट्स को प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड. ठीक है? तो ये थे डेफिनेशन ऑफ मेटल्स. ऑलरेडी हम जानते हैं 118, कहीं कहीं पे 115 एलिमेंट्स को बताया गया है, नंबर्स ऑफ ये वेरिएशन है. तो हमारे जितने एलिमेंट्स हैं उसको अभी तक हमने इसके बैक चैप्टर में पढ़ रहे थे कि इसको तीन कंपाउंड को इसके टेस्ट के वेस्ट पे इसको डिफाइन डिवाइड किया गया है. बट अभी यहाँ पे इसको दो, इसकी प्रॉपर्टी के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, हमें ये समझ में आ गया कि मेटल्स क्या होते हैं. मेटल्स जो एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लेते हैं. जो मेटल होते हैं वो कैटायन होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो एनायन होते हैं. क्लियर? तो अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. ऑलरेडी हम जानते हैं प्रॉपर्टीज आर टू टाइप्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टी में हम उसी के शेप साइज को देखते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि वो दूसरे अदर सब्सटेंस से रिएक्शन करके कोई न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्म करता है. ठीक है? तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. मेटालिक लस्टर, मेटल्स जो होते हैं वो मेटालिक लस्टर होते हैं. इन प्योर स्टेट मेटल्स हैव अ ब्राइट शाइनिंग सरफेस. जब ये मेटल्स, सारे मेटल्स जब प्योर फॉर्म में होते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा लस्टर, चमकदार होते हैं. इनकी सरफेस जो होती है वो बहुत शाइनिंग होती है. जस्ट अपोजिट नॉन मेटल में देखेंगे, नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर. जो नॉन मेटल होते हैं वो लस्टर नहीं होते, वो चमकदार नहीं होते, उनकी शाइनिंग सरफेस नहीं होती है. ठीक है? दूसरी हम प्रॉपर्टी देखते हैं हार्डनेस. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड. सभी मेटल्स जो होते हैं लगभग कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा कठोर होते हैं. एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये ऐसे मेटल हैं जो कि नाइफ के थ्रू आसानी से इजिली कट करते हैं. बाकी सभी जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं. जस्ट अपोजिट ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आर मोस्टली सॉफ्ट. नॉन मेटल जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड को छोड़ के, जो कि कार्बन का एलोट्रॉफ है, ऑलरेडी यू नो दैट. आगे के चैप्टर में हम कार्बन के एलोट्रॉफ, कार्बन एंड कंपाउंड का चैप्टर हमारे सिलेबस में है, हम उसमें पढ़ेंगे एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन. कार्बन के तीन एलोट्रॉफ हैं जिसमें कि एक डायमंड भी है. डायमंड जो है ये नॉन मेटल है और ये कैसा है, हार्ड है. बाकी लगभग सभी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. वहीं पर जस्ट अपोजिट हमारा मेटल क्या होता है, मोस्टली जो होता है वो
हार्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, मेटल्स कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर। मेटल्स को हम थिन वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि पतले वायर में इसको हम बना सकते हैं, बट नॉन मेटल्स कैन नॉट ड्रॉन इनटू थिन वायर। चौक हम ले लेंगे, वो क्या है हमारी नॉन मेटल्स है, और क्या उसको हम थिन वायर में, कार्बन का टुकड़ा, कोई कोयला ले लिया, क्या उसको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। लेकिन यही सर हमारी एल्युमिनियम कॉपर जो है उसके हम क्या कर सकते हैं, थिन वायर में उसको ड्रॉन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लस्टरस होते हैं, शाइनिंग सरफेस होता है, नॉन मेटल का शाइनिंग सरफेस नहीं होता। दूसरा, मेटल जो होते हैं मोस्टली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल हमारा कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। एंड तीसरा, इसको हम वायर के फॉर्म में ड्रॉन कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स कैन नॉट ड्रॉ इनटू थिन वायर, ठीक है। आगे की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, मैलिएबिलिटी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मैलिएबल, इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, इनको हम हैमर करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज वे आयरन की नेल्स ले लिया, उसको हम देर तक अगर हैमर करते हैं तो वो थिन शीट उसकी बन जाएगी। बट नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल नहीं होते, उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सपोज वे हम ये चौक ले लिया, अगर इसको हम हैमर करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा टूट जाएगा। लेकिन जो मेटल्स होते हैं इसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अच्छे अमाउंट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और हीट कंडक्ट करते हैं। आयरन को ले लिया और उसको हम अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, अच्छे से गर्म हो जाएगा और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी लगी होती है उसमें जो हम करंट सप्लाई करते हैं उसमें क्या होता है, मेटल्स होते हैं, एल्युमिनियम का मेटल, कॉपर लगे होते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जस्ट अपोजिट नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि लगभग ये कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। बहुत ज्यादा अगर हीट किया जाता है तो ये हीट तो होते हैं लेकिन बहुत अच्छे नहीं, जल्दी हीट नहीं होते हैं। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सोनोरिटी, यानी कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स प्रोड्यूस सोनोरस साउंड, यानी कि एक वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स जो होते हैं। जैसे स्कूल की बेल्स, जब स्कूल की बेल्स बजती है तो एक वाइब्रेशन होता है और हमें वो दूर तक साउंड सुनाई देता है। बट नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस सोनोरस साउंड, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, उनके पास ये सोनोरिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसीलिए मेटल्स, सपोज एक थाली अगर गिर जाती है तो देर तक वाइब्रेशन की आवाज आती है, क्योंकि वो किसकी है, मेटल्स की, स्टील है वो, उसमें मेटल्स हैं, इसीलिए वो क्या करती है, सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करती है। दो आपस में अगर आयरन की चीजें टकरा गई हो तो वहां भी एक सोनोरस साउंड, यानी देर तक वाइब्रेशन हमें सुनाई देता है, एक साउंड सुनाई देती है। लेकिन अगर हम वुड ले लें, लकड़ी पे अगर कोई चीज, दो लकड़ी आपस में गिर जाए तो क्या कोई साउंड प्रोड्यूस होता है, नहीं होता है, यानी कि नॉन मेटल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। ओके, दिस इज द लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स और नॉन मेटल की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जो होते हैं लगभग उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो बहुत हाई होती है। W मैंने लिखा हुआ है, दिस इज अ टंगस्टन, सिंबल ऑफ अ टंगस्टन। टंगस्टन यूज होता है, जो हमारे पहले बल्ब आते थे उनमें फिलामेंट जो लगा होता था वो किसका होता था, टंगस्टन का होता था। बिकॉज हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग मेटल, ये अदर मेटल्स की अपेक्षा इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर मिलता था तब जाके ये मेल्ट होता था, अदरवाइज ये मेल्ट नहीं होता था। अदर मेटल्स अगर इसकी जगह पर होते तो उससे कम टेम्परेचर में ही मेल्ट कर जाते। वाइल जबकि इसका वहीं पर बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि अदर मेटल्स के कंपेरिजन। वाइल
सीजियम एंड गैलियम वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. इसको अगर हम हाथ पे ही ले लेंगे, जैसे ही एयर में जरा सा भी टेम्परेचर अगर है तो ये हाथ में ही मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है. यानी कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो है, बहुत कम है. टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई है और सीजियम और गैलियम की मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो होती है. लगभग बाकी जितने मेटल्स होते हैं उनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लगभग हाई ही होती है. वहीं पर हम नॉन मेटल्स में देखते हैं, जनरली नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. जो नॉन मेटल्स होते हैं लगभग उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है कंपैरिजन टू मेटल्स. बट नॉन मेटल्स दैट आर सॉलिड, अगर नॉन मेटल सॉलिड है, हैव कंपैरेटिवली हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी. मेल्टिंग पॉइंट कम है बट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो, अगर वो सॉलिड है तो क्या होगा, ज्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल हमने बोरान, सिलिकॉन एंड कार्बन एक्सेट्रा, ये सॉलिड फॉर्म में इनकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो बहुत हाई होती है. ठीक है, तो हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों में डिफरेंसेस. जो मेटल्स में होता है वो नॉन मेटल्स में जनरली नहीं है, जस्ट अपोजिट है. दोनों मेटल्स के जस्ट अपोजिट हमारा क्या है, नॉन मेटल. ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब हम देखते हैं दूसरे टाइप की प्रॉपर्टीज, कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल. फिजिकल प्रॉपर्टीज आई होप सबकी क्लियर हो गई होगी. ठीक है, अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके ओके स्टूडेंट, तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के देख लिए थे, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज. तो सबसे पहले हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, आफ्टर दिस हम नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. पहला, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन. जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है, ये हमारा पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है. देखते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड. व्हेन, जब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है. हमने एसिड बेसिस में भी ये पढ़ा हुआ है, मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता था. आपने पहले भी ये चीज देखा हुआ है, तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. आपको पहले से ही ऑलरेडी पता है कि सभी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. तो एग्जाम्पल हम लेते हैं एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, इसको हीट किया तो बन गया हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड. क्लियर, एल्यूमिनियम ऑलरेडी हम देखे हैं कि लॉन्ग टाइम तक वो जब ऐसे ही एयर में खुला रहता है तो उसमें ऑक्सीजन आ जाती है और धीरे धीरे वो चेंजेस होने लगते हैं उसमें, तो वो क्या बन गया होता है, उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया होता है. आयरन ऑक्साइड, आयरन जब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो रस्ट का फॉर्मेशन करता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है. ठीक है, तो इसी तरह ये हम देख रहे हैं, जनरली मेटल्स ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. लगभग जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, बट सम मेटल्स सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, सो बोथ एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर ये शो करते हैं. और इस तरह के सॉल्यूशन को कौन क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड. इस तरह के ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं क्योंकि इसके पास दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती है, दोनों तरह का नेचर ये कंटेन करता है. यानी कि ये जब ऑक्सीजन ये रिएक्शन करते हैं तो क्या, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करके ये मेटल क्या करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो हमने देखा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, यानी कि मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. जनरली सभी मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, बट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसके पास दोनों नेचर होता है, एसिडिक और बेसिक, इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं. क्लियर, अब हम दूसरा देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर. रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ठीक है, कि जब मेटल वाटर से रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं. देखते हैं, मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. जब मेटल वाटर से रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है. एग्जाम्पल हम देखते हैं,
पोटेशियम प्लस वाटर बन गया हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट. क्लियर. यहाँ पर दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, सोडियम प्लस वाटर मॉलिक्यूल और बन गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस प्लस हीट. ठीक है. तो जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस. ठीक है. उसके बाद तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. ये मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं. Thus the reactivity orders of metals towards water is. इसलिए इसकी हम मेटल की वाटर के साथ क्या ऑर्डर्स हैं, कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है और एकदम रिएक्टिव लेस कौन है देखते हैं. सबसे मोर रिएक्टिव पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. देखते हैं सिल्वर, गोल्ड, कॉपर ये सब एकदम लेस रिएक्टिव लास्ट में है, यानी कि कॉपर और सिल्वर और ये गोल्ड हमारे जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं. ठीक है. तो हमने देखा कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. क्लियर. अब देखते हैं तीसरा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड. जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ऑलरेडी हम ये दूसरे चैप्टर में एसिड बेस सॉल्ट में पढ़े हुए हैं ये सारी चीजें, फिर से हम उसी को रिवाइज कर रहे हैं. इस चैप्टर में भी हमें ये सारी चीजें पढ़नी है. एग्जाम में ये लगभग आते हैं, पूछे जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो आप इन सारी चीजों को रिएक्शन एग्जाम्पल के साथ याद करके रखेंगे तो बेटर होगा. ठीक है. एक चीज एक बार याद करेंगे दोनों चैप्टर में काम आएगा. क्लियर. तो देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट HCl. डाइल्यूट ये क्या है, हमारा एक एसिड है. मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड और HCl के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं. ठीक है. तो देखते हैं Zn प्लस 2HCl बन गया हमारा ZnCl2 प्लस H2 गैस. जिंक क्लोराइड ये हमारा एक सॉल्ट है. क्लियर. तो सभी जो मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट HCl यानी कि डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं. क्लियर. उसके बाद दूसरा है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट. यानी कि एक मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट से, यानी कि एक सॉल्ट बन चुका है, वो मेटल का सॉल्ट बन चुका है, उसके साथ अगर मेटल का रिएक्शन कराएं. ऑलरेडी हम ये फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हैं, कुछ याद आया. ठीक है. वो वही रिएक्शन है यहाँ पर कि जब एक सॉल्ट सॉल्यूशन है मेटल का और उससे मेटल रिएक्शन कर रहा है तो क्या फॉर्म करेगा, सिंपल सी बात है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा और वहां पे वो उसके साथ रिएक्शन करेगा और उसको हटा देगा. देखते हैं मेटल प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन. मेटल ए यानी कि कोई मेटल है ए और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, और बी जो कि एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसके बाद फॉर्मेशन क्या हुआ, प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए. यानी कि अगर ये मोर रिएक्टिव है तो इसको क्या कर देगा, यहाँ से मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और खुद वहां की प्लेस ले लेगा. तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन गया और प्लस मेटल बी. एग्जांपल देखते हैं हम, कॉपर प्लस 2AgNO3. हम जानते हैं कि जो हमारा सिल्वर है वो कॉपर से लेस रिएक्टिव है ना. कॉपर जो है इससे मोर रिएक्टिव है, तो ये कॉपर क्या करेगा, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और बन गया हमारा कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर. यानी कि सिल्वर को इसने यहाँ से डिस्प्लेस किया और वहां की प्लेस ने ले ली. दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. तो हमने देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या फॉर्म किया, उसके बाद वाटर से रिएक्शन किया, उसके बाद एसिड डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन किया, और उसके बाद एक मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करके क्या फॉर्म किया, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली. उसके बाद अब हम देखते हैं मेटल्स की ये केमिकल प्रॉपर्टी थी, अब देखते हैं हम नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी. ठीक है.
तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देख लिया था, अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है तो देखते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वॉटर, स्टीम और डाइल्यूट एसिड। जो नॉन मेटल होते हैं वो वॉटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। एंड द रीजन इज दैट दे एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसका रीजन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं एंड कैन नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन आयंस। और ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर पाते हाइड्रोजन आयन को ऑफ एसिड टू रिड्यूस देम टू हाइड्रोजन गैस बट ऑन हीटिंग रेडियली फॉर्म ऑक्साइड और सॉल्ट। लेकिन इसको जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये ऑक्साइड्स और सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर काफी केमिकल रिएक्शन जो थे नॉन मेटल के वो अपने आप कि वो किसी भी एसिड के और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। और उसके बाद इसका रीजन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को सप्लाई नहीं कर पाता। लेकिन अगर इसको हीट किया जाता है तो ये रेडियली सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन, सॉल्ट और ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो देखते हैं विथ कंसंट्रेशन एसिड के साथ। ऐसा नहीं कि वो डाइल्यूट एसिड के साथ सॉल्ट और ऑक्साइड का फॉर्म करता है, यह कंसंट्रेटेड एसिड के साथ, कॉम्प एसिड के साथ ही रिएक्शन करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, सल्फर लिया प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कॉम्प है ये, इसको हीट किया बन गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, उसके बाद सल्फर के साथ हमने HNO3 नाइट्रिक एसिड कॉन्क लिया, हीट किया, बन गया हमारा H2SO4 प्लस ये रेड इज ब्राउन वेपर एक निकलता है इसका NO2 का एंड वाटर बन गया प्लस H2O। ठीक है, नॉन मेटल्स ऑल्सो शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल भी जो क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं मेटल की तरह ही। जैसे मेटल एक मेटल को डिस्प्लेस कर रहा था, उसकी प्लेस ले रहा था, उसी तरह नॉन मेटल्स भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। दिस इज नॉन मेटल, क्या ये क्लोरीन है। उसके बाद प्लस 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड लिया, इसके बाद इसका रिएक्शन हुआ बन गया 2NaCl, यानी कि ब्रोमीन को क्लोरीन ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पर ब्रोमाइड हट गया, क्या बन गया, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस हमारा बन गया ब्रोमीन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में नॉन मेटल्स जो है वो मेटल की अपेक्षा बहुत ही इसके शॉर्ट फॉर्म है। केमिकली ये डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, उसके बाद यह कॉम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, डाइल्यूट के साथ एसिड नहीं करते, कॉम के साथ इनको हीट किया जाता है तब जाके ये रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी आपने देखा, केमिकल प्रॉपर्टी देखा और यहाँ पर फिजिकल और केमिकल्स हमारे यहाँ पर खत्म हो गए। इस वीडियो में बस हम यही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में अब मुझे सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज और हमें देखना है कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रोबैलेंस बॉन्ड कैसे बनते हैं, रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।